हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 या 3 मंथ्स हैं तो आप कैसे पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो CBSE क्लास 12 का। तो यहाँ पे मैंने 4 मंथ का एग्जांपल लेके चला है। अभी तो आपके पास कई मंथ्स हैं, 6 मंथ है, 5-6 मंथ, लेकिन मैंने मिनिमम लेके चला 4 मंथ की। मान लीजिए कि अगर आप वीडियो 2 महीने बाद देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें इतना आप अगर आप कर लोगे तो आपका 95+ मार्क्स 100% है। ठीक है, 100% आपका 95+ मार्क्स आएगा। और ये आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है, वो भी 1 सप्ताह में, मतलब 7 दिन में आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है। मैंने आपको बताया कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले तो NCERT तो मस्ट होना ही चाहिए, दोनों पार्ट्स होना चाहिए, पार्ट 1 2। फिर सॉल्व पेपर्स, तो सॉल्व पेपर्स पेपर सैम्पल पेपर्स आप वही खरीदे जो कि सॉल्व हो, अनसॉल्व नहीं खरीदे, क्योंकि आपको बहुत फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये, अगर आपको दिख रहा है तो ये प्रदीप का है जो कि मैंने खरीदा था और मैंने इसी से पढ़ाई किया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई पेज खोला तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने सभी जगह टिक किए हुए हैं, तो मैंने इसी से पढ़ा था। आप एक और खरीद सकते हो एग्ज़ाम आइडिया, ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम आइडिया खरीद सकते हो। ये मैंने नहीं खरीदा था, लेकिन ये मेरे पास था, लेकिन मैंने इसे पढ़ा नहीं था। देखो, एग्ज़ाम आइडिया खरीदने अगर आप चाहते हो तो कब खरीदो, तभी जब आपके पास स्कूल के नोट्स नहीं हो। तो अगर आपके पास स्कूल का नोट्स है, मतलब अगर आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए गए हैं, उसके आंसर्स आपको लिखवाए गए हैं, तब आप एग्ज़ाम आइडिया पढ़ने का आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप एग्ज़ाम आइडिया खरीदो। लेकिन एग्ज़ाम आइडिया में आपको मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो इतने क्लियर नहीं कर पाया है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस दे दिया है। लेकिन ये जो बुक है, ये जो है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व की है, तो आप इसके से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, या फिर आप सैम्पल पेपर से एग्जाम आइडिया स्कूल नोट्स, मैंने आपको बता दिया। स्कूल नोट्स भी बनाने का तरीका होता है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको 4 महीने में, मान लीजिए कि मैं आपका फर्स्ट 2 मंथ का बात करूं, तो पहले 2 मंथ में आपको ये चीज़ें करनी है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक, मैं मान के चलता हूं कि आपको केमिस्ट्री में कुछ नॉलेज नहीं है, आप शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको नेम रिएक्शंस याद करने हैं। याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ राइट लिखा, यहाँ जो 4 मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, उन सबको आपको लिखने हैं। 2 महीने में आप जितनी से जितने बार, 1 दिन में 5 बार कोई भी एक रिएक्शन उठा लीजिए और 1 दिन में उसको 5 बार लिखिए, या फिर 5 बार आप मन में सोचते रहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट है या फिर कोई भी थ्योरी है, जैसे डिटर्जेंट एंड सोप्स का, तो आप उसको 1 दिन में 2-3 बार लिखिए, 2-3 बार सोचिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। लॉन्ग कन्वर्सन, और एक और बात, नेम रिएक्शन को हमेशा रिएजेंट के साथ याद रखिए। हमेशा देखा गया है कि नेम रिएजेंट्स आप याद करते हो और फिर सारे रिएजेंट को आप मिक्स कर देते हो, आपका कुछ याद नहीं हो पाता रिएक्शन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नेम रिएक्शन के साथ उसका रिएजेंट भी याद कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो NaI acetone, जैसे ही मैं आपको कहीं बोलूंगा फिर आप कहीं देखेंगे NaI acetone, आपको याद आ जाएगा कि अरे ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो आप वैसा फिर रिएक्शन कर पाओगे। तो कोई भी रिएक्शन अगर आप याद करते हो तो उसका आप रिएजेंट याद करो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा जैसा मैंने किया था, और मेरे खुद के 97 मार्क्स थे, तो मैं आपको अच्छा ही सजेस्ट करूंगा, और जो सजेस्ट करूंगा आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप रिएजेंट के साथ याद करो। लॉन्ग कन्वर्सन्स, देखो शॉर्ट कन्वर्सन्स जो होते हैं, जैसे एल्डिहाइड टू अल्कोहल, छोटे छोटे जो कन्वर्जन्स होते हैं उनको मत आप देखो, आप सीधे देखो कि कम से कम उसमें 5 से 6 कन्वर्जन्स हो रहे हैं। अगर आप एक कन्वर्जन्स को याद करते हो, मैंने बोला याद करते हो, आपको तो समझना है, लेकिन सबसे पहले आप याद करो, क्योंकि पहले आप याद नहीं करोगे तो समझोगे कैसे। सीधा अगर समझने में जाओगे, पहले आपने ABCD याद किया, फिर आपने समझा कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सही ना, कि ए के बाद बी नहीं क्यों होता। सबसे पहले आपने ये तो क्वेश्चन नहीं किया होगा कि 1 के बाद 2 क्यों होता, पहले आपने याद किया 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे ही पहले याद करो, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में यही रूल है, ऑर्गेनिक में तो खासकर यही रूल है कि पहले आप याद करो, फिर उस पर आप कॉन्सेप्ट बनाओ अपना। पहले कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना पसंद करते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी बोर्ड्स के लिए, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर्स हो गए, और केमिकल काइनेटिक्स हो गए, सॉलिड स्टेट हो गए। सॉलिड स्टेट में तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फिक्स हैं, पैकिंग फ्रैक्शंस, लिमिट, मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चंस, मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, मतलब बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, लेकिन मैं
कोशिश करूँगा कि मैं डिस्कस कर दूँ पूरे केमिस्ट्री का, ट्वेल्थ का। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको लिखनी है दो महीने में। आप जितनी बार लिख सकते हो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, लिखो, रिवाइज करो, याद करो, जैसे आप करो आप बस उसको अच्छे से करो। फिर आपका जो अगला मंथ है उसमें क्या करो, इसमें आप याद किए आप इसको लिखो, मतलब ये तो आप लिख रहे थे, इधर उधर लिख रहे थे, कहीं रफ में लिख रहे थे, लेकिन आप इसको एक अच्छी जगह लिखो, एक कॉपी खरीद लो उसमें लिखो, ठीक है। और इसमें लिखो वही चीज़ें जो कि आपको याद नहीं हो रही हैं, जो कि आपको दिक्कत हो रही है, या फिर जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही बार देखा सैम्पल पेपर में, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार आप, या कन्वर्जन्स, नाइट्रीन, एलेनिन, तो आपको वो सब लिखनी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखनी है, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ग्राफ जो होते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, हाई पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का, फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट का जो डायग्राम होता है, फिर कंसंट्रेशन में जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डैनियल सेल पढ़ाते हैं, वो सब डायग्राम्स आप रिवाइज करो और लिखो, और बार बार उसको डायग्राम को लेवल करके आप खुद बनाओ, ताकि आपका हैंड प्रैक्टिस हो। फिर कन्वर्जन विथ यू विच यू फाइंड डिफिकल्ट, वैसे वैसे कन्वर्जन लिखो जो कि आपको डिफिकल्ट हो करने में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखो, जैसे कि कुछ कुछ जो होते हैं थ्योरी होती है, जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट का एक थ्योरी मैंने बता दिया, और भी थ्योरीज होती हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये थ्योरी है थोड़ा सा इसमें। फिर आप थ्योरी का पार्ट, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो आप उसमें पढ़ते हो फ्यूल सेल, ऑक्सीजन सेल, बहुत सारे सेल्स पढ़ते हो, तो वैसे वैसे जो है कॉन्सेप्ट्स जो कि आप लिखो, जैसे एसिडिटी स्ट्रेंथ हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों डायमर स्ट्रेंथ में पाया जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सबको आप लिखो, और ये सब लिखो और एक महीने के अंदर इसको पढ़ो, साथ में तो आप ये पढ़ ही रहे थे, अब इसको भी पढ़ो, क्योंकि ये आपको नहीं आता है, इसमें आप वो चीज़ लिखे हैं जो कि आपको नहीं आता, या फिर आप डिफ़िकल्ट फाइंड करते हो इसमें। लास्ट मंथ में क्या करना है आपको, कि आपने इतना बना लिया, अब आपके पास नोट्स काफ़ी हैं। देखिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे केमिस्ट्री में, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी का दो लाइन पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। अगर एग्जामिनर चाहे तो उस दो लाइन से भी वो एक क्वेश्चन बना सकता है, तो आप ये कभी नहीं हो सकता कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन आप 99.99 तो कर ही सकते हो। तो जितना भी आप लिखे हो, जितना भी आप पर नोट्स हैं, जितना भी आप सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन टिक किए, जितना मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, मैक्सिमम अगर मैं आपको दूँ तो 100 क्वेश्चंस ही हैं पूरा, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब मिला के 100 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो अच्छे से, मैं गारंटी करता हूँ कि आपको थ्योरी में, ठीक है, 70 मार्क्स का अगर होता है तो उसमें 60 प्लस मार्क्स आएगा, 65 प्लस भी कर सकता हूँ अगर आप अच्छे हैं तो, ठीक। मेरा खुद 67 आया है, ठीक। तो ये सब आप करो, डायग्राम बनाओ, ज्योमेट्री जैसे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में है, XGO3, XGO2F4, ये सब रिएक्शंस हैं कुछ कुछ ज़ेनॉन के ऑक्सीजन के साथ, कि 2 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शंस हैं, कि 2 मोल वाटर लेंगे, 6 मोल वाटर लेंगे, अनलिमिटेड वाटर लेंगे तो क्या होगा, वो सब रिएक्शन आप याद करो, उनके ज्योमेट्री याद करो, उनका हाइब्रिडाइजेशन याद करो। इनऑर्गेनिक रिएक्शन को तो आप इन लास्ट मंथ में बार बार लिखो, जो कि SPDF ब्लॉक्स के जो रिएक्शन हैं उनको बार बार लिखो, क्योंकि ये इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, और 6 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन आप लिखो और बार बार लिखो, और बैलेंस याद कर लो, क्योंकि आप एग्जाम्स में जब आप बैलेंस करने बैठोगे तो उस समय इतना प्रेशर रहेगा कि आपसे बैलेंस होगा ही नहीं रिएक्शंस, ठीक है। तो आप रिएक्शन याद करो, तो वो बैलेंस्ड रिएक्शन याद करो, ठीक है। वो ट्रिक्स होती हैं उसको याद करने की, कि 6 अगर है XGO3 तो 24 मोल ऑफ H2O, मैंने अभी तक याद किया, मेरे को याद है अभी तक, अभी मैं मेरे को सर 2019 में मैंने पेपर दिया था, एक साल पहले आपसे तो 2 साल हो जाएगा, तो मेरे को अभी तक याद है, ठीक। तो ये सब आप करो, लास्ट सॉल्व PP मतलब प्रैक्टिस पेपर डेली सॉल्व करो, 2 आवर्स आप एक दिन में, 2 आवर्स तो 2-3 घंटा का एग्जाम होता है, लेकिन आप 2 घंटे में उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो, लास्ट का 1 आवर आप चेक करो, ठीक है। अब ये हो गए, अब आपको जो पढ़ना है 6 आवर्स इन वीक पढ़ना, तो आपको कैसे पढ़ना, तो 2:30 2:30 ये, और एक 1 आवर का पीरियड बना लो। पहले 2:30 पीरियड में मतलब कोई भी एक दिन चुनो सप्ताह में, मतलब मान लो कि आपने मंडे चुना, तो मंडे को 2:30 मिनट मतलब 2 घंटे 30 मिनट आपको पढ़ना है और याद करना है, क्या ये वाला पार्ट आपको याद करना है, पढ़ना है, लिखना है, जो भी करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और याद करना है। फिर अगले दिन एक दिन बीच करके, जैसे वेडनेसडे को आप ले लो और ये जो जो आपने याद किया है उसको लिखो, जैसे अब आप
ये इसमें क्या करना आपको कि आप क्वेश्चंस लो और उसको लिखो, ठीक है। इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको क्वेश्चंस याद करने थे, समझने थे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, इसमें अब आपको लिखना है। और जो मान लो कि अब आपका फ्राइडे आ गया, तो फ्राइडे को वो आप देखो कि आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन इस पूरे सप्ताह में नहीं बना और कौन कौन से क्वेश्चन फिर आपको लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने गलती से इस नोट्स में लिख दिया, तो आप अपने नोट्स में फिर से उस क्वेश्चन को लिखो जो कि आपको नहीं बन रहा है। तो ऐसे रिवाइज करते 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 हर एक सप्ताह आप इम्प्रूव करोगे और इम्प्रूव करते करते आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन को मुझे कैसे लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे कितना लिखना है, आपको सब पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो मैंने जो क्वेश्चन आपको दूंगा, अगर आप बोले हुए तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा 100% उसमें से, मैं अगर 30 क्वेश्चन देता हूँ आपको तो 25 क्वेश्चन आपको कोई ना कोई सेट में देखने को मिलेगा, ठीक। क्योंकि जो हम लोग के टीचर हैं, DPS बोकारो में पढ़ा हूँ, वहाँ के टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होंगे, और सिर्फ वहाँ आपको चैप्टर शुरू हुआ और टॉपिक पढ़ाया फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ बता देंगे, और आपको मंडे टेस्ट होगा उसमें आपको वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका रिवीजन होते रहता है। तो आप भी वैसा ही कोशिश करो कि सप्ताह दर सप्ताह आपका रिवीजन होता रहे। ये सारी चीज़ें हो गई, अब आपको वो चीज़ें देखनी जो आपको नहीं करनी है, ठीक। सबसे पहला चीज़ क्या नहीं करना है कि डू नॉट ट्राई टू कम्प्लीट योर होल सिलेबस, ठीक है। पूरा सिलेबस आपका कम्प्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ये उठाता हूँ ये उठाता, ये दोनों में पूरे केमिस्ट्री है, लेकिन ये केमिस्ट्री का बुक कितना मोटा है, ये केमिस्ट्री का बुक कितना पतला है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें पूरा थ्योरी है और आपको रिएक्शन है, सारे रिएक्शन लिखे हैं, सारे थ्योरी है, रिएजेंट सारी चीज़ हैं। तो आपका कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन आप 90% कंप्लीट कर सकते हो। फिर है डू अगेन एंड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड NCERT विच आई हैव सजेस्टेड टू यू। मैंने वीडियोस बनाए हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब है, ये चारों चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो PDF, और आप वहाँ से लिख भी सकते हो, आंसर्स भी अगर आप चाहें तो मैं आपको वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब, देखिए बहुत सारा होता है कि दोस्त से आप लोग पूछने लगते हैं कि आपका क्या तेरा हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, ये सब हुआ, तो ये सब नहीं करना। आपको काम रहना है, आपको चिल करना है, आपको 4 महीने अच्छे से करना है, जो जो बता रहा हूँ वो करेगा बिल्कुल। मैंने तो 1 महीना में किया था, क्योंकि जनवरी में मेरा मेंस हुआ, उसके बाद फरवरी पढ़ा मैंने, और मार्च में मेरा एग्ज़ाम, तो मैंने तो 1 महीना में 97, लेकिन मेरा क्या हुआ, मेंस की तैयारी कर रहा था के लिए, तो मेरा उतना भार नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता तो 4 महीना पहले काफ़ी है, ठीक है। फिर राइट एस मैच एस यू कैन, ये तो मैंने आपको पहले बताया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार लिखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं, रिएक्शंस लिखने हैं, आपको याद करने भी हैं, लिखने भी हैं रीजन के साथ, ग्राफ्स जैसे कि सॉल्यूशंस के हो गए, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर्स, ये सब बार बार आपको लिखने हैं, क्योंकि आप एग्जाम में बैठोगे अगर आप नहीं याद किया है, माइंड में तो है लेकिन हाथ आपका नहीं चलेगा, प्रेशर्स होते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इन सारे सैम्पल पेपर्स में जितने केमिस्ट्री के क्वेश्चन हार्ड देखने को आपको मिलते हैं, उतना हार्ड आपका पेपर नहीं आता। आप अगर देखेंगे 2017, 16, 15, 19 का क्वेश्चंस, तो उतना हार्ड आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा जितना हार्ड इसमें दिया जाता है। इसमें हार्ड नहीं, मतलब कहेंगे कि आपको सारे लेवल्स के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएगा, टेंशन ना लें, 4 महीने बहुत होते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया है, आप पढ़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पर, लिंक आपको दे दूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। Thank you.